कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के कारण अक्सर मीडिया की लाइमलाइट में बनी रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड के कई सितारों सहित निर्माता निर्देशकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद से ही शिवसेना और कंगना के बीच विवाद जारी है। इसी बीच कंगना ने ट्वीट करते हुए मुंबई की तुलना पीओके से की है, जिसके बाद शिवसेना ने कंगना पर निशाना साधना शुरू किया और कंगना के पोस्टर पर चप्पल बरसाए। चप्पल बरसाने वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा कि सुशांत और साधुओं के मर्डर के बाद अब प्रशासन को लेकर मेरी राय की वजह से मेरे पोस्टर पर चप्पल मारना ये दर्शाता है कि मुंबई खून की आदि हो गई है। कंगना ने कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह हो गई है। इस ट्वीट को उन्होंने समाचार चैनल्स को भी टैग किया था। कंगना के ट्वीट पर महाराष्ट्र के मंत्री संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उन्हें नगर की पुलिस से डर लगता है तो उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए। कंगना ने मिल रही धमकियों से बिना डरे कहा कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।